साइकिलिंग करते करते 1:30 बज गया और भाई सुबह ही खा के निकला था जो कुछ भी। एक्सप्रेसवे पे भाई यही दिक्कत है खाने पीने की, ना तुम कहीं पर रुक सकते और ना तुम कुछ खा सकते। नमस्ते एवरीवन, मैं मोहित चौहान, मैं कर रहा हूँ 75 हार्ड साइकिलिंग चैलेंज दिल्ली टू कन्याकुमारी। आज मेरा 68वां दिन है। मैं ऑलरेडी दिल्ली टू कन्याकुमारी कंप्लीट हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी टू दिल्ली। अब दिल्ली तकरीबन यहाँ से कितना किलोमीटर रह गया, 350 या 370-380 के आसपास रह गया है। और मैं 1 मार्च को पहुंचूंगा दिल्ली और मेरा टास्क हो जाएगा कंप्लीट, वो भी 75 डेज के अंदर। अभी तक किसी ने ये टास्क कंप्लीट नहीं किया और तुम्हारा भाई करने वाला है तो एक रिकॉर्ड बनेगा, यानी कि क्रिएट एक हिस्ट्री क्रिएट होगी। तुम्हारा भाई करने वाला है यानी कि एक सुनहरे अक्षर पर तुम्हारे भाई का नाम लिखा जाएगा जो अभी तक नहीं लिखा, किसी और के नाम पे नहीं है, तुम्हारे भाई के नाम पे बनेगा रिकॉर्ड। ये देखते हैं भाई, कोशिश तो यही रहेगी कि इसको मैं रजिस्टर करवाऊं, अगर नहीं हुआ तो कोई नहीं दोबारा फिर कर देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। तो भाई लोग अभी मैं फिलहाल कन्नौज के आसपास हूँ और कन्नौज से अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से दिल्ली के लिए, या तो फिर मैं आगरा के लिए जाऊंगा या फिर दिल्ली के लिए जाऊंगा। और भाई लोग आप लोगों को दिखाते हैं हमने कहाँ पे टेंट लगाया है। शेरनी को तो मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया था और ये देखो तुम नजारा, और ये देखो भाई का टेंट कहाँ पे है, बिल्कुल टोल प्लाजा के सामने। ये देखो रात के टाइम जब मैं यहाँ पे आया तो आसपास कोई पेट्रोल पंप भी था ना ढाबा था, तो यहाँ पे आया तो मैंने इनसे बात की और इन्होंने बोला कि आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी कि कैमरे लगे हुए हैं, उधर भी कैमरा है इधर भी कैमरा है, और भाई सिक्योरिटी गार्ड भी है और जो टोल पे काम करते हैं वे लोग भी थे, तो ये सेफ्टी ज़्यादा है यहाँ पे। पेट्रोल पंप, टोल प्लाजा और मंदिर वगैरह में भी ठीक है, बट पेट्रोल पंप और टोल प्लाजा वाकई में बहुत ज़्यादा सेफ है। जैसे कि टोल प्लाजा हो गया और पेट्रोल पंप हो गया, इन पे कैमरे आपको मिलेंगे 24 घंटे और आपको प्लस में सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो भाई इनका फ़ायदा ये होता है टोल प्लाजा का, पेट्रोल पंप का। बाकी तो अगर ढाबे वगैरह पे मैं 1-2 बार ही रुका हूँ, मैं ज़्यादा नहीं रुका, 3 या 4 बार रुका हूँ शायद, ज़्यादा नहीं रुका। तो ज़्यादातर मैं पेट्रोल पंप और पहली बार लगाया मैंने तो यहाँ पे क्या नाम है टोल पे, नहीं तो मैं टोल पे भी नहीं लगाता वैसे तो। और एक्सप्रेसवे के टोल तो भाई बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। देखो एक्सप्रेसवे पे इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और हाईवे पे तो तुम्हें पता नहीं कितनी दुनिया भर की भीड़ मिलेगी। तो जितना हो सकता है भाई एक्सप्रेसवे के टोल मिले तो वहाँ पे आराम से रुक सकते हो, और हाईवे के तो भाई थोड़ा अवॉइड ही करना, उस पर भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। ये लखनऊ टू आगरा वाला एक्सप्रेसवे है और भाई इस पे ना रात में ये पता लगा कि बाइक का भी टोल लगता है, 1 किलोमीटर 1 रुपये, यानी कि 100 किलोमीटर पे हो गए 100 रुपये। और जो बड़ी गाड़ियाँ होती है ना, मतलब कि जो ट्रक वगैरह होते हैं उन पर 10-10, 12-12 रुपये होते हैं, मतलब अगर 12 रुपये 1 किलोमीटर का है तो 200 किलोमीटर कवर किया तो कितना हो गया 2400 रुपये। भाई देख लो तुम, मतलब कि इतना महंगा है ना भाई, टोल बहुत ज़्यादा महंगा है। तो भाई लोग शेरनी को कर दे रेडी, अब चलो चलते हैं भाई यहाँ से। तकरीबन दिल्ली 370 किलोमीटर दूर है। अच्छा ही ठीक है, राम राम। चलो भाई चलते हैं। साइकिलिंग करते करते 1:30 बज गया और भाई सुबह ही खा के निकला था जो कुछ भी, और पिछले 3-3.5 घंटे से भाई कंटिन्यू साइकिलिंग कर रहा है तुम्हारा भाई। अब नीचे कोई दुकान है इधर से रास्ता है जाने का, नहीं तो भाई पूरे रास्ते कुछ नहीं मिलता कुछ भी खाने को। एक्सप्रेसवे पे भाई यही दिक्कत है खाने पीने की, ना तुम कहीं पर रुक सकते और ना तुम कुछ खा सकते। हाईवे पे दिक्कत नहीं है ये सब की, स्टे करने की भी नहीं, और स्टे करने की इस पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तारों के नीचे से निकलना पड़ेगा। ये देखो भाई लोग कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये देखो दूर से दूर तक गेहूं के खेत है और सनसेट हो रहा है, बहुत प्यारा सनसेट हो रहा है। और ये फिलहाल अभी हम कहाँ हैं, यूपी में, अभी मैं इटावा के पास हूँ, इटावा यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। इस टाइम भाई सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे हमारी यूपी में है और भाई सड़कों के मामले में वाकई में ही भाई यूपी नंबर 1 पे है इस टाइम।
पूरा भारत घूम रहा है तुम्हारे भाई। कल भी मैंने वाले व्लॉग में बताया था और अभी भी यही बता रहा हूँ, रोड एक नंबर, मजा आ रहा है भाई साइकिलिंग करते हुए भी। और गाड़ियों की अच्छी खासी स्पीड है भाई गाड़ियों की तो। और भाई बहुत प्यारा सनसेट हो रहा है ये देखो, पूरे दिन में सनसेट देख के ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। शाम के टाइम जब सनसेट देखता हूँ, नहीं तो भाई पूरा दिन साइकिलिंग करने में कभी भागा दौड़ी, कभी कुछ वीडियो बनाने में, कभी कुछ खाने पीने के लिए भी बहुत लफड़ा है। पर जब शाम के टाइम मैं सनसेट देखता हूँ तो भाई सब थकान दूर हो जाता है। देखो भाई कितना प्यारा व्यू है, बादलों के पीछे छुप गया हमारा सूरज। खाने पीने में बस तुम्हारा भाई बिस्कुट और भाई पानी पी रहा है, और सुबह एक पराठा खाया था बस, बाकी ऐसे ही हूँ, ऐसे ही काम चला रहा हूँ बस, क्योंकि भाई आसपास ढाबा ही नहीं है कहीं पे भी। ये एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे पे कुछ है ही नहीं, अगर साइड में कोई दुकान होगी तो ठीक है, वो भी जाली वाली टूटी होगी, नहीं तो नहीं मिलेगा कुछ भी। आज सुबह मैं जहाँ से चला था तो वहाँ से पेट्रोल पम्प 100 किलोमीटर दूर था, और भाई अब जाके पेट्रोल पंप आया, और खाने का भी एक मेरे ख्याल से होटल टाइप का कुछ बना रखा है इन्होंने, रेस्टोरेंट वगैरह। तो भाई अब जाके तुम्हारे भाई को खाना नसीब होगा सुबह से। एक्सप्रेसवे पे भाई खाने पीने का बहुत गंदा सीन है सच में भाई। 100 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप आया, अगर तुम लोग बीच में उतर जाते हो तो ठीक है, नहीं तो भाई अगर एक्सप्रेसवे पे चलते रहे ना 100 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप और खाने पीने का तो तुम नाम ही भूल जाओ तो अच्छा है। अब सुबह से तुम्हारा भाई अब कुछ खाओगा, नहीं तो सुबह बस क्या खाया था, एक पराठा खाया था और चाय, और उसके बाद बिस्कुट वगैरह और चिप्स, बस इसी में ही है तुम्हारा भाई। और हाईवे और ये बना रखा है इन्होंने, सामने है पेट्रोल पंप, पिज्जा वगैरह भी है यहाँ पे, तो पर पिज्जा हम खाएंगे नहीं क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए खराब है, इस टाइम हम जंक फूड खा नहीं सकते। का स्टे मेरे ख्याल से मैं यहीं पे देखूंगा, अगर यहाँ पे स्टे हो गया तो पेट्रोल पंप पे मेरे ख्याल से अलाउ कर देंगे, क्योंकि यार एक्सप्रेस वे कर देना चाहिए हम जैसे लोगों के लिए। तो भाई लोग तुम्हारा भाई लगा रहा भुट्टा, क्योंकि भाई सुबह से तो कुछ खाया नहीं, इस भुट्टा से शुरुआत होगी कुछ तो भाई एक्सप्रेस वे पहने, कुछ है नहीं मेरे को खाने के लिए, बस ये दो उधर दो उधर। हाँ बस इधर ही, मतलब पीछे भी मुझे एक ही मिला, एक तो हो गया भाई कुकड़े, इसको बोलते है भुट्टा इधर हमारी साइड तो कुकड़े बोलते है। अब ढाबे में कुछ खाएंगे क्योंकि भाई सुबह से तो कुछ खाया नहीं, अब जाके कुछ खाने को मिलेगा। तो भाई लोग अपना आ गया पराठा और चाय आने लग रही है, और मस्त खा के और पीछे को लौट जाएंगे, सुबह से ही ये खाने को मिल रहा है बस, नहीं तो भाई पूरा दिन ऐसे ही चला गया साइकिलिंग करते करते। सेनी बाहर खड़ी हुई है, थोड़ा सा डर लग रहा है कभी कभी उठा ले, ये भी थोड़ा ऐसे ही अपने यूपी का, फटाफट खाता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से। तो भाई लोग फाइनली तुम्हारे भाई को स्टे मिल गया है, नहीं तो भाई तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता, क्योंकि एक्सप्रेसवे के आसपास कोई पेट्रोल पंप वगैरह नहीं है, ढाबा भी तक नहीं है, और भाई कम से कम 100 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप मिलेगा, फिर उसके बाद तुम्हें खाने पीने का भी उधर ही मिलेगा, दो इधर है इटावा से और दो उधर है इटावा से दूर। तो भाई लोग तुम्हारे भाई ने टेंट लगा लिया और चार्जिंग की व्यवस्था भी मिल गई है ये देखो, और पावर बैंक तो मैंने पहले ही दे दिया था, मगर चलो कोई नहीं चार्ज हो जाएगा वहीं पे। तो बात करते हैं आज की, आज तुम्हारे भाई ने 98 किलोमीटर साइकिलिंग की है, आज का टास्क तो ऑलरेडी कम्प्लीट होता है, कल तुम्हारा भाई पहुँचेगा आगरा और आगरा से फिर दिल्ली, और आज हमारा टोटल हो गया 7135 किलोमीटर। तो तुम देख सकते हो तुम्हारा भाई बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। आज से मैंने 5 महीने पहले, मतलब कि अभी 5 महीने मुझे कंप्लीट नहीं हुए हैं, अगले महीने की 5 तारीख को मुझे 5 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, मैंने साइकिल उठाई थी और तुम्हारा भाई 10,000 किलोमीटर साइकिलिंग कंप्लीट कर लेगा अपने 5 महीनों में। पूरे क्षेत्र में भी अभी तक तुम्हारे भाई की टक्कर पर नहीं है इस टाइम फिलहाल में,
भाई लोग जितना हो सके अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, और भाई इस वीडियो को कर दो लाइक कमेंट शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। तो भाई लोग व्लॉग की भी एंडिंग कर दी थी, सब काम हो गया था, बस अब लेटने की तैयारी थी। तो तभी हमारे गाँव के एक भाई है, उनकी ड्यूटी यहीं पर ही है इटावा में ही, और मैं तो इटावा से आगे आ गया कम से कम 30 से 35 किलोमीटर दूर। तो उनका फ़ोन आता है कि भाई मैं भी इटावे में ही हूँ, तो मुझे लेट पता लगा, मगर चलो कोई नहीं। वैसे बोल दिया था कि मगर सुबह आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई मन नहीं ना, मैं चल कोई नहीं भाई आ जा तू। फिर अब आने लग रहा है, तो भाई अब उनसे मिलेंगे और फिर आराम से लेटेंगे। वेलकम वेलकम वेलकम।